अभी एक एक संवाद चल रहा है राधा जी का दर्शन, इसका प्रमाण हम पहले दे चुके, पर जिसकी दृष्टि में सियोरबाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे ले, जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उसकी किसी ने नहीं मानी, ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो देते रहो देते रहो। क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण चाहिए? इस व्यास पीठ से मेरी माँ ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यास पीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वेवर्त पुराण में से राधा का संवाद भी, राधा रानी का संवाद बोला, इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला, गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला, और प्रसन्नता ब्रह्म 84 कोष में अनय घोष का मंदिर है वहां जाकर दर्शन करो चावड़ गांव में उसका प्रसंग कहा, उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। मैंने इस व्यास पीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी तब मैंने, हमारे पास धन नहीं था, दूसरे की दुकान पर काम कर पैसा जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जाकर पैसा लेकर उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन नाथ जी की करी है। वो तो मेरी माँ है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे, और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा कर बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ, या फिर छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है, क्योंकि देवी भागवत में लिखा है राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार है, मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज उससे विसराता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था, और धेनु का सुर घुस गया पूरी गायों को परेशान करकर उनको भ्रमित करकर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर नहीं, हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं सब पहचानते सीहोर वाले को, कि बचपन से परिक्रमा करता है, जब चट्टी पहनता था हाथ उस समय से परिक्रमा करता था, और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांग कर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठा कर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है, जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। जिस जिसको प्रमाण चाहिए कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है। राधा नाम क्या होता है, मेरे सीहोर की एक गली में जाकर पूछना कि राधा नाम कीर्तन कैसा कराया, राधा नाम क्या है। कई सालों से 51 परिक्रमा जब तक राधा रानी के बरसाने की करी, तो उस उतने वर्ष तक राधा नाम कीर्तन एक एक बच्चे बच्चे के मुख पर राधा राधा जपा दिया। मेरी सिद्धपुर भूमि सीहोर का एक एक बच्चा जानता है कि राधा का नाम क्या है। वो वृंदावन नहीं गया, वो बरसाना नहीं गया, पर सीहोर को बरसाना बना दिया था, इतना राधा नाम जपाया है उस सीहोर की भूमि पर। तुम क्या सहज समझते हो? और सोशल मीडिया वाले सोचते हैं कि बदनाम करेंगे, अरे मेरे शंकर के भक्त हैं ये, तो राधा रानी की कृपा है। तुम जिस दिन बोल दो मैं साधुता देता हूँ श्री पौंडरिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को मैं साधुवाद देता हूँ, कौशिक जी महाराज जी को मैं साधुवाद देता हूँ, संजीव कृष्ण शास्त्री जी को मैं साधुवाद देता हूँ, राजीव जी शास्त्री जी को मैं साधुवाद देता हूँ, अनुप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगा कर कहा गुरुदेव आप जब भी पधारे महाराज जी,
अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया, हमने पत्र के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुँचेंगे वहाँ पर बात करेंगे। और इतने बड़े विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूँ भारत की भूमि पर। और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा, ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता, उनसे बात करता है। एक बार कर देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा ना रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन करकर जवाब देता जाता, इतने रसिक संत हैं। उनका प्रणाम करता हूँ मैं, उनको नमन करता हूँ मैं, जिनकी जिभ्या पर इस बांगड़े का नाम तो आया, कैसे भी आया कल्याण तो। और मेरे ब्रज के एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा, सत्य पर जियूंगा, सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और आपसे भी निवेदन करता हूँ, जितने भारत की भूमि के जितने देश के लोग कथा सुन रहे हैं, एक बार ब्रज में जाना तो जाकर रावल गांव का दर्शन करना जहाँ राधा जी का जन्म हुआ है, जाना तो बरसाने का दर्शन करना जहाँ राधा रानी पहुंची हैं। मेरी रावल में राधा रानी जी का जन्म हुआ, उनको वहां पर लाडली कहा जाता। जब राधा जी बड़ी हो गई, साल निकल गया, तब राधा जी बरसाने में पहुंची है, और बरसाने में पहुंची तो उनको किशोरी जी कहा गया, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची थी। जब तक रावल में रही तब तक वो लाडली थी, बरसाने पहुंची वो किशोरी हो गई, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची हैं। उनको समझना, बरसाने की एक एक रच को समझना, एक एक ब्रज चौरासी को उसकी रच को समझना कठिन काम है महाराज। अच्छे अच्छे ब्रह्मा तक चले गए, धक्के खाकर ब्रज की लीला को नहीं समझता, समझना बहुत कठिन है, समझिए जरा जाकर। और जिन्होंने आज ही वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आज ही वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरु जी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरु जी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था उस कथा को पूरा सुनना था, कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप क्षीण होते रहेंगे, राधा रानी पाप क्षीण कर देंगे। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रज भूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को, जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी माँ है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने कईयों को बदनाम किया तो हमको भी करेंगे, कर रहेंगे नहीं। नामदेव तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा, कर्मा जैसे को नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ने वाला। साधुता है और मेरी ब्रज की पवित्र भूमि को, मेरे ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी साधुता, आपके बीच में रहा हूँ। और यदि एक शब्द के लिए अगर आप अगर एक पत्र भेज देते सीहोर वाले महाराज के पास में, कुबरेश्वर धाम का पता सबको मालूम, एक पत्र भेजते, ये पत्र भी आते हैं, वो पत्र भी मैं पढ़ता और मेरे को आज्ञा होती मैं ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वेवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में ये बात लिखी, और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहाँ है। हम भी मानते हैं माँ है हमारी, पर मेरी माँ कभी बुरा नहीं करती है। बोल राधा रानी सरकार की, जय जय श्री जानती।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है, जो कि विवाद उनके ऊपर चल रहे हैं राधा रानी पर टिप्पणी करने को, उनके ऊपर कथा में कुछ कहने के लिए, तो उस पर उन्होंने पूरा आज स्पष्ट किया है कि किस किस कथा को उन्होंने कहाँ से लिया है और कहाँ से पढ़ा है। अगर अन्य गुरुजनों को, पंडितों को, साधु को, सन्यासियों को अगर प्रमाण चाहिए तो वह सीहोर जा सकते हैं या उनको पत्र द्वारा निमंत्रण दे करके व्रज में बुला सकते हैं। वहाँ पर भी संतों की सभा में भी सत्य को नहीं छोड़ेंगे, वह सत्यम शिवम सुंदरम के साथ रहेंगे, वह शिव के साथ है, वो शिव को हमेशा सत्य पसंद है। तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से अपनी कथा में कहा है, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा और जो सत्य है मैं वही बोलता हूँ। साथ ही में उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के लिए भी कहा है कि एक बार आप अपने दास को याद करते हैं आपके चरणों में ये दास जरूर आ जाता। तो साथियों, आप बताइए कौन सत्य है कौन झूठ है, क्योंकि हम तो सिर्फ वही बताते हैं जो हम कथाओं में सुनते हैं, क्योंकि वेद हम सांसारिक लोग कहाँ पढ़ पाते हैं। तो आप ही बताइए, क्या इन्होंने अपनी कथा में कोई असत्य बात कही है? हमें तो नहीं लगता है, पर आप अपनी राय जरूर कमेंट के द्वारा लिखना। और चाहिए कि सनातन धर्म एक हो जाए, हिंदू हिंदू एक हो जाए, कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचे, क्योंकि अन्य लोग जब हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं, हमारे देवी देवता को कुछ कहते हैं, तब एक भी सनातनी आगे नहीं आएगा। पर सनातन का ही व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो भर भर के सनातनी उसका विरोध करने लगते हैं। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं वो सनातनी नहीं होते हैं जो सनातन का विरोध करते हैं, वह तो विद्रोही है जो हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, उसका जो महत्व है वो कम करना चाहते हैं। तो आप अपनी राय जरूर लिखिए। सनातन धर्म की जय। जय महाकाल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।